नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे जय हिंद हार्डवेयर पे। आज हम जानकारी लेने वाले हैं चेंबर्स के बारे में। स्टॉप। वैसे देखा जाए तो चेंबर बहुत टाइप के आते हैं, लेकिन मेजर में चलने वाले चेंबर रहते हैं सीमेंट के चेंबर, उसके बाद पीवीसी और गैलोनाइज। सीमेंट का रेंज अलग है, उसके ऊपर और अलग वीडियो बनेगा, उसमें वापस से अलग टाइप आते हैं सीमेंट में, अलग से साइज आते हैं। आज हम बात करने वाले पीवीसी चेंबर, जिसमें कि दो टाइप है मेरे पास, और गैलोनाइज चेंबर जिसमें कि एक टाइप है। पहले हम शुरू करते हैं रेगुलर पीवीसी से। आप इधर प्रोडक्ट देख सकते हैं, इसके अंदर एक लॉकिंग के लिए एक चीज़ दिया रहता है, ये आप इधर डाल सकते हैं और ऊपर से इसको लॉक कर सकते हैं, जो होल है इसमें लॉक लगा सकते हैं। अगर लॉक नहीं करना है आपको, अंदर साइड किधर है, तो इसका ज़रूरत नहीं है आपको, ये एडिशनल दिया है। इसको उठाने के लिए जस्ट सिंपली आप यहाँ से इसको उठा सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। ये मेरे पास अभी है साइज़ 1.5x2 का, जो कि रेगुलर घरों में चलता है टंकी के ऊपर। इसका यूज़ मतलब टफनेस बोले तो इसके ऊपर कोई आदमी खड़ा रह जाए या 100-200 किलो की कोई बाइक पास हो जाए तो भी इसको कुछ दिक्कत आने वाला नहीं। अंदर के साइड इसको स्क्वायर में ऐसा एडिशनल साइज रहता है, आप पास से देख सकते हैं। तो ये इसका स्ट्रांग पॉइंट है, जिसकी वजह से ये पूरा चेंबर स्ट्रांग बन जाता है, जिसकी वजह से कोई आदमी इसके ऊपर से पास हो जाए या कोई टू व्हीलर भी पास हो जाए तो इसको कुछ दिक्कत आने वाला है नहीं। अगर फोर व्हीलर की बात करूँ तो फोर व्हीलर के लिए इतना टफ है नहीं, तो टू व्हीलर मैक्स इसके ऊपर से जा सकता है। पीवीसी में एक और क्वालिटी आता है, जिसके ऊपर फोर व्हीलर जाए तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, टू व्हीलर जाए तो एकदम सिंपली है, और आदमी जाए तो भी और सिंपली है। इसमें लॉकिंग सिस्टम है, ये जो अभी आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का लॉक आता है जिसकी वजह से ये चेंबर ओपन या क्लोज हो सकता है। अभी मैंने ये हटाया तो ये पूरा लॉक है, ये निकल नहीं सकता चेंबर। इसके लिए ये आपको संभाल के रखना है या फिर इसी में कंटिन्यूसली रखना है। तो इसको अंदर डाल के बस घुमाना है, ये ताले चाबी जैसा है, और इसको ही पकड़ के आप चेंबर को उठा सकते हैं। ये हनीकॉम डिज़ाइन आता है, आप पास से देख सकते हैं, ये पूरा इंजिस वगैरह इसका ज्वाइंट ही रहता है, तो ये अलग नहीं होता पहले चेंबर के जैसा। ये हनीकॉम डिज़ाइन आता है, और ये लॉकिंग सिस्टम आप इधर देख सकते हैं, ये घुमाया तो इधर से लॉक हो जाता है, इधर घुमाया तो लॉक खुल जाता है इसका। तो इस टाइप से ये लॉकिंग सिस्टम पे अच्छा क्वालिटी का पीवीसी में आता है, और ये चीज़ मेड इन इंडिया है। अगला अपना टाइप है गैल्वनाइज का, जो कि एकदम हेवी रहता है वेट में भी और क्वालिटी में भी। इसके ऊपर आप फोर व्हीलर जाए या कोई बड़ा व्हीकल जाए तो भी दिक्कत नहीं है, और इसके इंजिस वगैरह भी पूरे जॉइंट में आते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं, इंजिस वगैरह पूरा वेल्डिंग करके जॉइंट में आता है, और इसका भी क्वालिटी एकदम बेस्ट रहता है। इसका आप थिकनेस देख सकते हैं, एकदम मोटा है, और प्लस ये पूरा स्क्वायर में सपोर्ट के लिए रहता है, जिसकी वजह से ये ब्रेकेबल वगैरह तो नहीं होगा। और इसके अंदर भी लॉकिंग सिस्टम रहता है, लेकिन इसके लिए आपको अलग से ताला लेके, आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर एक होल है जिसके अंदर आप ताला डाल के इसको लॉक कर सकते हैं। तो ये था गैल्वनाइज चेंबर। अभी अगर साइज की बात करूँ तो रेगुलर चलने वाला 1.5x2 का और 2x2 का चेंबर आता है। इसके अलावा और भी साइज आते हैं, मैं आपको साइज का चार्ट दिखा देता हूँ, जो कि गैल्वनाइज और पीवीसी में आएंगे। आप इधर पास से देख सकते हैं, ये पूरा साइज का चार्ट लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके साइज एक बार देख सकते हैं कौन सा साइज क्या है। लेकिन इसमें मेजर नहीं चलने वाला, साइज 1.5x2 का, 2x2 का, या फिर कभी कभार 27x27 का चलता है। तो ये थी पूरी जानकारी पीवीसी रेगुलर, पीवीसी हेवी और गैल्वनाइज के बारे में। तो ये थी जानकारी पीवीसी और गैल्वनाइज चेंबर के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास ये नॉलेज पहुंच पाए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।